आपने मनुष्य के शरीर में मौजूद 72,000 नाड़ियों के बारे में जरूर सुना होगा। नाड़ियों का अर्थ भी आप जानते होंगे। वैसे हमारे शरीर में मौजूद नसों को भी नाड़ी कहते हैं, जिनमें खून बहता है। ये हमारे शरीर की फिजिकल नाड़ी होती हैं। लेकिन योग जिन 72,000 नाड़ियों की बात करता है, वो हमारे सूक्ष्म शरीर की व्यवस्था है। उनमें खून नहीं बल्कि ऊर्जा बहती है। अब देखो, किसी भी फिजिकल एक्शन के पीछे एक ऊर्जा काम कर रही होती है, जिसमें कि हमें वो एक्शन तो दिखाई देता है, एक्शन का परिणाम भी दिखाई देता है, परंतु जिसके कारण एक्शन हुआ वही ऊर्जा हर जगह मौजूद है। और इस ऊर्जा को शरीर के हर एक अंग में पहुंचने के लिए कुछ चैनल्स की आवश्यकता पड़ती है। चैनल्स मतलब ऊर्जा जहां से बहेगी उसका वो मार्ग। तो इन नाड़ी रूपी चैनल्स का जाल हमारे सूक्ष्म शरीर में बिल्कुल वैसे ही फैला हुआ है जैसा कि हमारा ये भौतिक शरीर, इसमें नसों का जाल फैला हुआ है। अब देखो, हमारे शरीर में बह रही ये ऊर्जा कितनी अद्भुत है। ऊर्जा एक ही है, ये जब अलग अलग नाड़ियों में बहना शुरू करती है तो इस ऊर्जा के कार्य बदल जाते हैं, जैसे कि सुनना, देखना, बोलना, चिल्लाना, रोना, क्रोधित होना और प्रेम करना। जब कोई व्यक्ति संभोग में उतरता है तब भी उसके शरीर में एक ऊर्जा सक्रिय होती है। तो ये कितनी अद्भुत बात है। ऊर्जा एक है, लेकिन ये ऊर्जा हमारे सूक्ष्म शरीर में अलग अलग नाड़ियों के माध्यम से बहने पर इसके कार्य अलग हो जाते हैं। इसीलिए शरीर तो जटिल मशीन है ही, लेकिन इस शरीर के बाद भी कुछ ऐसा है जिसे कभी जाना नहीं जा सकता। अब इस ऊर्जा की व्यवस्था केवल मनुष्य के शरीर में ही नहीं होती, संसार में मौजूद हर एक जीवित प्राणी, हमारी ये धरती, सब में ऊर्जा का प्रभाव निरंतर चल रहा है। आप किसी पेड़ के पत्ते को उठाते हो तो उस पत्ते में आप बारीक लकीरें देखते हो, वो एक पैटर्न को बनाता है। ये उस पत्ते की फिजिकल बनावट है, जहां से उस पत्ते में विशेष रसायन बहते हैं जिससे उसे पोषण मिलता है। लेकिन उस पत्ते में भी सूक्ष्म अवस्था है, उसमें भी शक्ति बहती है, ऐसे ही दूसरे जीव जंतु। तो इस अज्ञात शक्ति की व्यवस्था हर जगह फैली हुई है, और हमारा ये शरीर इसे समझने के लिए एक जबरदस्त यंत्र है, जिसे शुरू से ही कुछ योगी अपनी ध्यान साधना की सहायता से इसे समझने का प्रयास करते आए हैं, और बहुतों ने इस सिस्टम को जान भी लिया, जिसे वेदों में लिपिबद्ध कर दिया गया। एनीवे, हमारे शरीर की ये जो व्यवस्था है ये बस निरंतर चल रही है, और हम इससे अनजान हैं। इसलिए हम पैदा होते हैं, जीते हैं और मर जाते हैं। परंतु अगर तुम इस व्यवस्था को समझ लो तो तुम्हारे लिए संसार की हर एक चीज आसान हो जाती है। तुम जो पाना चाहते हो वो पा सकते हो, क्योंकि एक सामान्य मनुष्य के जीवन में ऊर्जा उसका इस्तेमाल करती है। परंतु जब कोई मनुष्य जाग जाता है और अपने जीवन को होशपूर्वक कर लेता है, तब वह स्वयं होशपूर्वक इस ऊर्जा का इस्तेमाल कर पाता है, या कहूं इसे व्यवस्थित कर पाता है, जिसके कुछ तरीके, कुछ विधियां प्राचीन समय में ही खोज ली गई थी, जिन्हें बुद्ध ने पुनर्जीवित किया, और इन्हीं तरीकों को या विधियों को कहा जाता है हस्त मुद्राएं। मनुष्य के शरीर में मौजूद हर एक तत्व का सीधा संबंध उसके हाथों की उंगलियों से है। ये छोटी छोटी मुद्राएं आपको अनसाइंटिफिक लग सकती हैं, मीनिंगलेस लग सकती हैं। आप सोच सकते हो कि छोटी सी मुद्रा करने से क्या होगा, लेकिन हस्त मुद्रा का यह विज्ञान आपकी सोच से परे है। आज विज्ञान भी योगिक क्रियाओं के बारे में सोचने पे मजबूर हो गया है। यह असरदार है, काम करता है, दुनिया भर में इसके जगह जगह प्रयोग चलते हैं। कई जगह बीमारियों के उपचार के लिए ऐसी ही कुछ क्रियाओं का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे हाथों की उंगलियों में पांचों तत्व मौजूद हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। इसके बारे में मैंने पहले भी एक डिटेल वीडियो बनाया था, उस वीडियो में आपको इसका थोड़ा और बेसिक जानने को मिलेगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप उसे भी देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। एनीवे, टॉपिक पर आते हैं। तो जब आपके शरीर में कोई भी तत्व ऊपर नीचे होता है, अर्थात कम ज्यादा होता है, तब आपके शरीर की व्यवस्था बिगड़ जाती है, जिससे कि शरीर रोगी हो जाता है। इतना ही नहीं, अगर आपके शरीर में इन पांचों तत्वों का संतुलन बिगड़ता है, तब आपके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह ठीक से नहीं हो पाता, यानी आपके शरीर में मौजूद वो सूक्ष्म नाड़ियां, उनमें ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। तब आपका शरीर ही नहीं, आपका भीतरी सिस्टम भी प्रभावित होता है। भीतरी सिस्टम से मेरा अर्थ है आपका मन, आपकी सोच, आपके विचार, आपकी इंटेलिजेंस, जिसके कारण आपके जीवन में बेवजह नेगेटिविटी आने लगती है। आपके आसपास सब कुछ गलत या आपके अनुकूल नहीं होता, आपके विपरीत होता है। असल में आपको लगता है कि सब कुछ बाहर गड़बड़ चल रही है,
लेकिन ये गड़बड़ आपके भीतर चल रही है। बाहर जो हो रहा है वो तो आपके भीतर चल रही गड़बड़ का फल है, परिणाम है। हालांकि ऊर्जा को संतुलित करने के लिए कुछ योगी क्रियाएं हैं, कुछ ध्यान विधियां हैं, लेकिन साथ ही साथ ये जो हस्त मुद्रा मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये आपके भीतरी सिस्टम को व्यवस्थित करने के लिए बहुत उपयोगी है। ये है उत्तर बोधि मुद्रा। ये मुद्रा आजकल बहुत चर्चा में आई क्योंकि इस मुद्रा को कुछ सक्सेसफुल लोगों द्वारा करते हुए देखा गया। हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं है, ऐसा नहीं है कि अगर इस मुद्रा को कोई भी करेगा तो वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी या बिलियनियर बन जाएगा, क्योंकि जिन सफल लोगों को आपने इस तरह के हैंड जेस्चर में देखा है वो खुद भी इन मुद्राओं के विज्ञान को नहीं जानते होंगे, या तो उन्हें ये करने के लिए किसी ने बता दिया होगा, या हो सकता है कि उनका स्वभाव ही ऐसा हो, उन्हें पता ही ना हो कि वो ऐसा क्यों करते हैं। लेकिन जाने अनजाने वो जैसा भी करते हो, इन मुद्राओं के बहुत जबरदस्त फायदे होते हैं। जैसे अगर आप इस उत्तर बोधि मुद्रा को करते हैं दिन में किसी भी समय, 10 मिनट, 15 मिनट या जितनी भी देर, कभी भी, कहीं भी, तो ये मुद्रा आपकी चेतना का विकास करती है। और जब किसी मनुष्य की चेतना का विकास होता है तो उसके दिमाग की शक्ति भी बढ़ जाती है। उसका दिमाग उसके चारों ओर चल रही चीजों पर पैनी नजर रखता है। व्यक्ति अपने पास हो रही सभी घटनाओं को, सभी चीजों को सामान्य से अधिक गहराई में ऑब्जर्व करता है, और वो हर एक नेगेटिव चीज से सतर्क हो जाता है। और जब कोई व्यक्ति किसी चीज को गहराई से ऑब्जर्व करता है तब वह उसका पूरा ज्ञान हासिल करने लगता है। उसे उसका नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही छोर पता लगने लगते हैं, और वह अपनी सोच को, इस फोकस को अपने बिजनेस या व्यापार में इस्तेमाल करता है। क्योंकि इस मुद्रा को करने से मनुष्य का अग्नि और वायु तत्व दोनों ही संतुलित हो जाता है, जिससे कि ऊर्जा का फ्लो उसके दिमाग में उन हिस्सों तक पहुंचता है जो कमजोर थे या निष्क्रिय पड़े हुए थे। तो इस प्रकार से हमारी प्राचीन हस्त मुद्राएं हमारे शरीर में ऊर्जा को संतुलित करती हैं, पांचों तत्व को बैलेंस करती हैं। इस मुद्रा में आपको अपने दोनों हाथों के अंगूठे और तर्जनी उंगली यानी इंडेक्स फिंगर दोनों को मिलाना है। अपनी तरफ से कोई प्रेशर नहीं बनाना है, जितना प्राकृतिक प्रेशर बने उतना ही रखना है। बाकी उंगलियों को एक दूसरे से मोड़ लेना है और दोनों ही मिली हुई इंडेक्स फिंगर को ऊपर की ओर रखना है और दोनों अंगूठे को नीचे की ओर। ये मुद्राएं एक प्रकार से एंटीने का काम करती हैं, सिग्नल रिसीव करने का काम। तो इस प्रकार से ये हस्त मुद्राएं आपके शरीर में ऊर्जा को व्यवस्थित करती हैं, पांचों तत्व को संतुलन में रखती हैं। विशेष तौर पर ये वाली मुद्रा अग्नि और वायु तत्व को संतुलित करती है। ये तो एक मुद्रा के बारे में था, और ये केवल उन लोगों के लिए जिन्हें कुछ करने का मन करता है। वो साधारण आंखें बंद करके किसी ध्यान में नहीं बैठ पाते, जिन्हें मंत्र चाहिए, मुद्रा चाहिए, ये केवल उन लोगों के लिए है। और हाँ, इसे सब लोग कर सकते हैं, क्योंकि स्वस्थ शरीर कौन नहीं चाहता।